Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, assalamu alaikum. I am Asif Saeed. I am your mathematics teacher, class 9th. Today is Wednesday, 6th of May 2020. Beta, aaj ka hamara lecture, hamara classwork, exercise 4.4, question number 2 hai. Last lecture mein, jo ke 5th May ka tha, usme maine yahan bhool ke 5th April likh diya tha. वो लेक्चर था 5th मई का, उसमें 4.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया. अब इसमें आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट आप बुक से देखें, वहां पे लिखा हुआ है फाइंड द कंजुगेट. अब कंजुगेट ऑफ x + y अंडर रूट, तो यानी कि इस टाइप की जो क्वेश्चन होगी उसका कंजुगेट क्या है कि जो दूसरी अमाउंट होती है उसका साइन चेंज कर देना. जैसे कि अब आपके सामने 3 प्लस 7 अंडर रूट है तो 3 माइनस 7 अंडर रूट, ये इसका कंजुगेट है, इंतहाई इजी. दूसरा ये देख लें, ये मैंने इसका पार्ट 2 भी लिख दिया है, 4 माइनस 5 अंडर रूट है, इसका कंजुगेट होगा 4 प्लस 5 अंडर रूट. अब बाकी सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं. क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर आपके सामने जो तीन पार्ट हैं, पहले में 1 ओवर x फाइंड करना है, दूसरे में भी, और तीसरे में x प्लस 1 ओवर x. तो इसमें 1 ओवर x भी हो जाएगा और x प्लस 1 ओवर x भी हो जाएगा, लिहाजा ये मैंने सेलेक्ट किया है. अब देखें ये अमाउंट है, सबसे पहले हमने ये अमाउंट दी हुई है, ये हमने फाइंड करनी है, तो हम इसके लिए 1 ओवर x निकालेंगे. x की वैल्यू ये है, 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू 1 के नीचे. अब हम रैशनलाइज करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था कि रैशनलाइज करते वक्त अमाउंट चेंज हो जाती है, यानी जो अमाउंट होती है उसके कंजुगेट से उसको मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं. ये आ गया 1 बाय अंडर रूट 3 प्लस 2, और ये आ गया जी अंडर रूट 3 माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 2, यानी उसका कंजुगेट. इसके बाद ये देखे, ये वाली अमाउंट इससे मल्टीप्लाइड हुई, यही रही, यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी. ये देखें बेटा, ये फार्मूला लग गया a की 2 माइनस b की 2. a है यहां पे अंडर रूट 3 और b है अकेला 2. ऊपर अंडर रूट 3 माइनस 2, नीचे ये 2 स्केयर रूट जो है ये इससे कैंसिल हो गया, 3 वैसे ही आ गया, 2 2 4, ये वैसे ही अमाउंट आ गई और 3 में से 4 गया, 1 आ गई, बड़ी अमाउंट माइनस की है. अब ये माइनस 1 जो है इसकी वजह से ऊपर वाले अमाउंट के साइन चेंज हो गया, तो 1 बाय x की वैल्यू आ गई माइनस 3 अंडर रूट प्लस 2. अब देखें हम x की वैल्यू ये ली और 1 बाय x की हम निकालते आ रहे हैं ये लिखी, इन दोनों को प्लस किया, x प्लस 1 बाय x. अब ये देखें, ये अंडर रूट 3 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 2 और 2 4, तो इस तरह x प्लस 1 बाय x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने x हमें दिया हुआ था, 1 बाय x भी निकाल लिया, रैशनलाइज भी हमारा रिवाइज हो गया और x प्लस 1 बाय x की वैल्यू भी ले आए. हम नेक्स्ट टाइम जब आगे करेंगे तो उसमें फिर आगे इसका फर्दर जो आगे इसके स्केयर या क्यूब है वो करेंगे, इसके करने से आपका वो काम बहुत इजी हो जाएगा. बेटा मैंने आपको कल भी कहा, रोजाना कहता हूं कि आपका सिर्फ यूनिट 1 रिवाइज होगा, ये रिवाइज नहीं होंगे कुछ भी, आप ये काम काइंडली कंप्लीट करें. और टेस्ट सिर्फ 2-4 बच्चों ने हर सेक्शन में से भेजे हैं, ये भी गलत बात है, फॉलो करें काम को. और हर सब्जेक्ट का यही हाल है, और प्रेजेंट भी चंद बच्चे ही देते हैं. बेटा तमाम बच्चे जो हैं वो इन टच हों और अपना काम कंप्लीट करें. थैंक यू.